बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस, ऑनलाइन लेक्चर्स। ये हमारा जमात पंजुम का सबक नंबर 23 है। स्काउटिंग का लेक्चर नंबर 1 है। आज का काम हमने क्या करना है? आज हमने पढ़ना है सबक स्काउटिंग। इसमें हम सबक की पढ़ाई करेंगे, नए अल्फाज पढ़ेंगे, अल्फाज के मायने लिखेंगे और जुमले बनाएंगे। हाँ जी, पहले आप लोग कॉपी रेडी करें, इंडेक्स पेज निकालें, उसके ऊपर फहरिस्त लिखनी है आपने। नंबर शुमार लिखें, उसके बाद तारीख लिखें और उसके बाद उनवान लिखें स्काउटिंग। आप लोगों ने पहले सबक खुद से पढ़ना है, ठीक है? सबक पढ़ने से पहले हम सबक का थोड़ा तारुफ पढ़ लेते हैं, ठीक है? अच्छा, आप लोगों में से कौन है जो दूसरों की हेल्प करता है, मदद करता है? तकरीबन सब लोगों के दिल में ये चीज़ होती है कि हम दूसरों की मदद करें, ठीक है? क्या आप में से कोई है जिसने कभी किसी की मदद की हो, किसी का ख्याल रखा हो, किसी से कोई हमदर्दी की हो? सब बच्चे करते हैं ना, अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं, अपने दादा दादी का रखते हैं, छोटे बहन भाइयों का रखते हैं, ठीक है? तो दूसरों की जब हम खिदमत करते हैं या मदद करते हैं तो हमें कैसा लगता है? अच्छा लगता है या बुरा लगता है? हाँ जी, शाबाश, दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है और ये सब करके हमें अच्छा लगता है कि लोगों की खिदमत जो है वो हमें हमारे दीन से भी इसका सबक मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, है ना? जैसे किसी को सड़क पार करवाना, किसी बीमार को दवाई दिलाना, गरीब बच्चों को पढ़ाना। अगर कोई किसी को चोट वगैरह लग जाए तो उसकी थोड़ी बहुत मरहम पट्टी करना। अगर कोई बच्चा भूखा है तो उसे खाना वगैरह खिलाना, है ना? और कौन से हो सकते हैं, ठीक है? लोगों की खिदमत करना, इनका ख्याल रखना और इनकी मदद करने से क्या होता है, अल्लाह ताला खुश होते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी ज़िंदगी भी खिदमत खल के वाक़ से भरी हुई है। आज हम ऐसी ही एक आलमी तंजीम के बारे में पढ़ेंगे जो बच्चों की ऐसी तरबियत करती है कि इनमें नज़्म ज़ब्त पैदा हो, इनके किरदार में बेहतरी पैदा हो और इनके अंदर लोगों की खिदमत करने का जज्बा पैदा हो। इस काम के करने के लिए उन्हें बाकायदा तरबियत दी जाती है ताकि वो लोगों के काम आ सकें और मुल्क कौम की खिदमत कर सकें। इस तंजीम का क्या नाम है, बताएगा कोई? हाँ जी, इस तंजीम का नाम है स्काउटिंग। शाबाश, आज हमने स्काउटिंग के बारे में ही पढ़ना है। तो अब आपने क्या करना है, पहले वीडियो को यहाँ पर रोक दें। वीडियो को रोक कर आपने सबक की पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपने उसके मुश्किल अल्फाज ख़त कशीद करने हैं। जो आपको नहीं पढ़ने आएंगे या पढ़ने में मुश्किल होगी वो आपने मेरे साथ पढ़ने हैं। जब आप सबक पढ़ लेंगे खुद से अल्फाज को ख़त कशीद कर लेंगे तो आपने वीडियो को दोबारा चलाना है और मेरे साथ सबक की पढ़ाई करनी है। हाँ जी, इल्मो अदब सफ़ा 85 खोलना है आपने। इल्मो अदब सफ़ा 85। सबक के बारे में पहले मैंने आपको बताया है, अब हमने सबक पढ़ना है स्काउटिंग। हमारा आज का उनवान है स्काउटिंग। उमर और सादिया की आजकल मौसम गर्मा की तातीलात थी। तातीलात का मायने होते हैं छुट्टियाँ, और इन छुट्टियों को दोनों बहन भाई अपने हम उम्र का क्या मायने होता है, बराबर की उम्र का या हम साल, अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेल कूद कर रातों को जाग कर और सारा दिन टीवी देख कर गुजार रहे थे। इनके ये मामूलात इनके वालिद की नज़र में काफ़ी दिन से थे।
वो इन दोनों को डांटते भी थे, लेकिन वो इनकी छुट्टियों का मज़ा भी किरकिरा नहीं करना चाहते थे। किरकिरा मायने ख़राब। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करें कि बच्चों की तातीलात को कारामत बनाया जा सके। कारामत मायने मुफीद। इन्हीं दिनों में इनकी नज़र अखबार की एक खबर पर पड़ी, जिसमें उन्हें स्काउट्स में भर्तियों का इश्तिहार नज़र आया। ये इश्तिहार पढ़ते ही उन्होंने फैसला कर लिया कि वो भी उमर और सादिया को इस तंजीम का हिस्सा बनाएंगे। इस सिलसिले में एक दिन उन्होंने उमर और सादिया को अपने पास बिठाकर पूछा, उमर और सादिया, ये बेटा, क्या तुम दोनों ने कभी स्काउट्स का नाम सुना है? दोनों ने हैरान होते हुए नफ़ी में सर हिलाया। नफ़ी में मतलब नाम है। इन दोनों के हैरान चेहरे देखकर इनके वालिद ने मुस्कुराते हुए कहना शुरू किया, मैं तुम दोनों को स्काउटिंग की तरबियत हासिल करने के लिए भेज रहा हूँ। उमर, लेकिन अब्बू, ये स्काउटिंग होती क्या है? हमें तो इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, और आप हमें इसकी तरबियत हासिल करने के लिए भेजना चाहते हैं। सादिया ने भी उमर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हमने तो इसका नाम ही पहली बार सुना है। सफ़ा 86। अब्बू, बेटा, स्काउटिंग एक आलमी तंजीम है। इसमें 6 साल की उम्र से बच्चों की तरबियत शुरू कर दी जाती है, ताकि इनमें खुद एतमादी पैदा हो सके। इसके साथ साथ स्काउट्स की इस अंदाज़ में तरबियत की जाती है कि वो मुल्क व कौम के काम आ सकें। सादिया, लेकिन अब्बू, हमें वहाँ किस चीज़ की तरबियत दी जाएगी? अब्बू, बेटा, वहाँ पर आप सबको मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में तरबियत दी जाएगी। जैसे तमाम स्काउट्स को जंगल या वीराने में ले जाया जाता है, वहाँ जाकर बच्चों से खुद काम करवाए जाते हैं, ताकि उन्हें अपने हाथ से काम करने की आदत पड़ सके। तरबियत के दौरान मुख्तलिफ़ मुकामात पर खैमे लगाए जाते हैं, जो स्काउट्स खुद नसब करते हैं। हाँ जी, सफ़ा 86 पे आपको नज़र आ रहा होगा, स्काउट्स जो खैमे जो यहाँ पर बने हुए हैं, ये स्काउट्स खुद बनाते हैं, और इनको तरबियत दी जाती है कि उन्होंने वहाँ पर कैसे रहना है। ठीक है, नस्ब करते हैं मतलब लगाते हैं। दौराने तरबियत इन्हें आग बुझाने, छोटे मोटे पुल बनाने जैसे काम भी सिखाए जाते हैं। ये कैंप शहर से बाहर दूर दराज मुकामात पर लगाए जाते हैं। तुम दोनों को मालूम है कि स्काउट्स का क्या मतलब है? दोनों नफ़ी में सर हिलाने लगे। अबू ने बताया, स्काउट्स का मतलब है पता लगाने वाला, इसीलिए तो स्काउट्स को जासूसी और पैगाम रसानी के मुख्तलिफ तरीके सिखाए जाते हैं। मायने लिखते जाएं साथ साथ, नफ़ी नहीं, वीरान बेरौनक, दूर दराज शहर से दूर वाले इलाके, नसब लगाना कायम करना। जासूसी का मायने होता है खुफिया बातों का पता लगाना या भेद राजजोई करना। उमर, अब्बू, आप इसके कुछ असूलों की अभी बात कर रहे थे। अब्बू, हाँ बेटा, स्काउट्स बनने के लिए सब बच्चों से ये अहद लिया जाता है कि अहद का मायने होता है वादा। एक ओहद होता है लफ्ज़, उसका मायने होता है दौर या ज़माना। अहद का मायने वादा, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरी इज्जत को ख़तरा हो। सब स्काउट्स को अपना दोस्त समझूंगा, हर एक से खुशी अखलाकी और मोहब्बत से पेश आऊंगा, हर तकलीफ़ और मुसीबत को बर्दाश्त करूंगा, हमेशा कफ़ाया शुआर रहूंगा। कफ़ाया शुआर का मायने होता है कम खर्च करने वाला, और पैगाम रसानी का मायने एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुँचाना। कारामत का मायने मुफीद, अपने वालदैन मुल्क और हुकूमत का वफादार रहूंगा, हमेशा खिदमत खल करूंगा, मतलब लोगों की खिदमत करूंगा, जानवरों पर रहम करूंगा, हर बात में फर्माबरदारी इख्तियार करूंगा, अपने कौल और फेल को हमेशा पाक रखूंगा। कौल मीन कहना और फेल मीन करना। बेटा, इन तमाम असूलों पर अमल करके हर तालिब इलम बेहतरीन स्काउट्स में शामिल हो सकता है। सादिया, अब वो एक आखिरी सवाल, क्या इस तंजीम में सिर्फ लड़के हिस्सा ले सकते हैं? सफ़ा 87। अब्बू, नहीं, लड़कियां भी स्काउट बन सकती हैं, सिर्फ इनका नाम और वर्दी मुख्तलिफ होती है। पाकिस्तान में गर्ल गाइड के नाम से लड़कियों की तंजीम है। पाकिस्तान में इस तंजीम की बानी बेगम राना लियाकत अली खान थी। बानी मायनी बुनियाद रखने वाला, मौजिद। उमर और सादिया अपने वालिद की ज़ुबानी
स्काउटिंग के बारे में सुनकर बहुत पुरजोश नज़र आ रहे थे। इनके वालिद अपने बच्चों की आंखों में चमक और दिलचस्पी देखकर बहुत मसरूर थे। मसरूर मीन खुश। इनको यकीन हो गया था कि अब इनके बच्चे अपनी छुट्टियां फजूल सरगर्मियों में ज़ाया करने की बजाय मुल्क के लिए एक बेहतर और कारामद शहरी बनने में गुजारेंगे। अल्फाज के मायने लिख लें आप लोग। ग्रेड जमात पंजम पेन से आपने मार्कर से आपने लिखना है अल्फाज और मायने, और नीचे आपने पेन से लिखना है। तातीला पहले नए अल्फाज सुन लें। तातीलात, हम उम्र, मामूलत, किरकरा, करामद, भर्तियों, इश्तहार, स्काउट्स, कैंप, वक्ती, तैराकी, इब्तदाई, तिबी, पैगाम रसानी, बानी, जजीरे, जासूसी, अहद, अहद, यहाँ पे अहद है ये लफ्ज़, गर्ल गाइड, मसरूर, कफायशवार। अब आप में से कोई बताएगा कि इस सबक में हमने क्या सीखा है या क्या पढ़ा है। हाँ जी, शाबाश। स्काउटिंग की तंजीम, तलबा में नज़्म व ज़ब्त, किरदार की बेहतरी और मुल्क व कौम की खिदमत का जज्बा पैदा करने में अहम किरदार अदा करती है। सबक की पढ़ाई करनी है आपने सबने। अब घर का काम आपने क्या करना है कि स्काउटिंग के नए अल्फाज जो हैं इनकी आपने इमला तैयार करनी है और हर लफ्ज़ को तीन तीन बार खुश खत करके लिखना है। ठीक है, अल्फाज मायने आपने साथ साथ जमात का काम की कॉपी पर लिखने थे और स्काउटिंग के नए अल्फाज आपने घर का काम की कॉपी पर लिखने हैं तीन तीन बार, और मश्क दो हल करनी है। मश्क दो में जुमले हैं वफादार, दूरदराज, स्काउट, तरबियत, असूल, कफायशवार। अगला काम हमने क्या करना है, अब अगले लेक्चर में हम करेंगे सवालात के जवाब बात करेंगे, खाली जगह पुर करेंगे और गलत दुरुस्त फिक्रात करेंगे और फेल के ज़माने करेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, सबक की पढ़ाई अच्छे से करनी है और आपने पेंसिल से मार्क भी करना है इनके जवाबात को। ठीक है, ये तमाम काम हम अगले लेक्चर में करेंगे, और ये जो डायरी आपको दी हुई है घर का काम, ये आपने अपनी डायरी में ज़रूर लिखनी है। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।